बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख्याल टीवी के मौजूद ख़वातीन और हज़रात, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद अली खिज़र। आज की इस वीडियो में इंसान के फौत होने के बाद लाशों को खाने वाले जानवर के मुतल्लिक बात करेंगे। क्या आप जानते हैं कि मरने के बाद कब्र में जो जानवर सबसे पहले आपके मुर्दा तन को खाता है उसका नाम क्या है? ये बिज्जू है, जो सिर्फ कब्रस्तान में नई मैयतों के इंतज़ार में पड़ा रहता है। जब भी कोई इंसान कब्रस्तान में जाता है तो खुदी हुई कब्रों में से इसको कई तरह के कीड़े मकौड़े निकलते भी नजर आते हैं, और कब्रों में बनी बिल्लों को देखकर इसके जेहन में सवाल उठता है कि इनमें क्या सांप रहते होंगे। इंसान गौर करे तो आने वाले वक्त में वो भी इन जैसी किसी कब्र में पड़ा होगा, और इसकी कब्र में भी ऐसे कई सुराख और बिल नजर आएंगे। इसमें कोई शक नहीं कि कब्रस्तान में सांप और कीड़े मकौड़े भी होते हैं, लेकिन बिज्जू ऐसा जानवर है जो कब्रस्तान पर राज करता है। ये मर्दम खोर जानवर चूहे और न्यौले से मुशाबा होता है, जो ताज़ा ताज़ा मैयतों तक बहुत जल्द पहुंच जाता है और इनका गोश्त हड्डियों तक खा जाता है। बिज्जू बड़ा सख्त जानवर है, ये दूध देने वाले जानवरों में शुमार होता है। इसके सख्त जान होने का सबूत ये है कि अगर ये हाथी के पाँव के नीचे भी आ जाए तो कुचला नहीं जाता। इसके पंजे और दांत नोकीले और तेज धार होते हैं, मिट्टी को खोदने और लकड़ी को मिनटों में खोखला कर देता है। बिज्जू कई गज तक लंबी सुरंगें खोद डालते हैं और एक कब्र से सुरंग निकाल कर दूसरी कब्रों तक आते जाते हैं। उम्मीद है आज की ये मुख्तसर वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब फरमा के बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करना, ताकि मुस्तकबिल में अपलोड होने वाली तमाम वीडियो बर वक्त आप तक पहुँचती रहें।